सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। ये थी बात व्यवहार की। जिस प्रकार आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, रवैया करते हैं, वही आपको स्वरूप में मिलता है। सामने वाला भी वैसा ही व्यतीत करता है, वैसा ही प्रतीत करता है जैसा आप स्वयं में रखते हैं। यदि आप किसी के साथ गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तो सामने वाला भी आपके साथ गलत बोलेगा। तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ, विचारों के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। और जैसा कि हमने बताया था, आज फिर से हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष की। और आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिर से उपस्थित हुए हैं वैदिक ज्योतिषाचार्य गीतांशु मल्होत्रा जी। शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे गीतांशु जी के साथ। गीतांशु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गीतांशु जी, जो आपका कार्यक्रम था बेहद खूबसूरत रहा, हमारे तमाम दर्शकों ने बहुत सराहा आपके प्रोग्राम, क्योंकि उसमें जो बातें आपने हमें बताई वो जानना व्यक्ति के लिए वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस दिखाना वो हमारा एकमात्र कार्य है जो कि आपने किया। अब आप हमें थोड़ा सा ग्रहों के संदर्भ में बताएं, वास्तविक में मंगल ग्रह के विषय में आप हमें बताएं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। जी, शनि के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी, अब हम मंगल के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत धारणाएँ बनी हुई हैं। मंगल का मतलब ही मांगल्य है, ऐसा ग्रह जो आपका मंगल कर सकता है, इसीलिए उसका नाम मंगल है। वेवलेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप देखेंगे रेड कलर की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए कहीं से भी दूर एक लाल बल्ब जल रहा हो तो वो आपको 20 किलोमीटर दूर भी नज़र आ सकता है पहाड़ी में। जी। मंगल की यही खासियत है, वो छोटा सा ग्रह है बट उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मार्स एक एनर्जी का प्लैनेट है और शुभ करने वाला प्लैनेट है, इसीलिए उसका नाम मंगल है। अब आप अपनी लाइफ को देखें तो जो भी आप अच्छा काम करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, उसमें आप लाल रंग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और चाहे वो विवाह के समय के कपड़े हों, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो घर के बाहर का टीका हो, चाहे वो किसी तरीके का भी काम हो, सबसे पहले अगर कोई रंग आपके जहन में आता है तो वो लाल है। लाल का मतलब शुभ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र मंगल को बहुत शुभ मानती है। जी, तो फिर ये मांगलिक दोष क्या बना, ये आप हमें बताएं, क्योंकि काफी सारे लोग भयभीत रहते हैं कि हम पर मंगल का दोष बन गया है, विवाह में विलंब होगा, बहुत कठिनाइयां आएंगी जीवन में, तो हम चाहेंगे इसके भी आप हमें उत्तर दें। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अभी आपने ठीक कहा कि ये बन गया है, ये मांगलिक दोष बन गया है, ये मांगलिक दोष है नहीं। अगर आप मंगल के बैकग्राउंड को पहले जानना पड़ेगा मांगलिक दोष को समझने के लिए। इमेजिन करिए कि एक सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट, एनर्जी से मतलब है जो किसी से डरता नहीं, जो किसी परिस्थिति में घबराता नहीं, वो चाहे लड़का हो या लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर सकता है, 20 घंटे काम करने के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो अगले भी 10 घंटे काम कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति है कोई तो वो ज़रूर और ज़रूर मंगलिक है। जी, क्योंकि उसका मंगल बहुत स्ट्रांग है। मंगल का मतलब है एनर्जी। अब इसको मंगलिक का स्वरूप क्यों दिया गया? मंगलिक का स्वरूप इसीलिए दिया गया क्योंकि अगर किसी भी हॉरोस्कोप में जो आप सुनते हैं कि वो मंगलिक है, इसका ये मतलब है कि वो इंसान हाईली एनर्जेटिक है। उसका जो विवाह के समय पार्टनर ढूंढना पड़ेगा वो उसके जैसी एनर्जी लेवल को मैच करना पड़ेगा। ज़्यादातर दिक्कतें वहाँ आ जाती हैं जहाँ पर किसी एक पार्टनर का मंगल बहुत स्ट्रांग है और दूसरे पार्टनर का मंगल वीक है। बहुत वीक, जी। विवाह के बाद में ये दिक्कत आ जाती है कि एक पार्टनर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है, चाहे वो कमाई की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बच्चे संभालने की हो, क्योंकि आजकल की 21वीं सदी में दोनों को कमाना जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। और दूसरे हिसाब से ये होता है कि एक पार्टनर थोड़ा सा उस मामले में एनर्जी से थोड़ा सा विहीन हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पे मंगल का दोष आता है। तो हमने जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने जब मंगल को ट्रीट करा तो उन्होंने मांगलिक नहीं कहा,
उन्होंने इतना कहा वैदिक ज्योतिष में कि ये एनर्जी स्वरूप के लोग हैं, इनकी एनर्जी नॉर्मल लोगों की एनर्जी से थोड़ी हाई है, इनको या तो ऐसे कार्य में डालिए जिनमें एनर्जी लेवल बहुत अच्छी तरह इनका यूटिलाइज होता है, या इनको तभी हम कहते हैं कि इनको आर्मी में डाल दीजिए, कमांडर बना दीजिए। मगर हर आदमी तो मंगलिक जो होता है वो आर्मी में नहीं जा सकता, मगर आज के संदर्भ में घर को चलाने के लिए, साथ में इमेजिन करिए नौकरी भी करनी है या बिजनेस भी करना है, घर भी चलाना है, खाना भी बनाना है, बच्चे भी देखने हैं, उनका काम भी देखना है, होमवर्क, घर परिवार को, सोसाइटी को, सबको एक साथ देखना है, और ऐसे लोगों के लिए मंगल होना बहुत जरूरी है। आपने उसको मंगल दोष नहीं कहा, आपने उसको मंगल योग बना दिया। वो योग ही है, उसको दोष इसीलिए लोगों ने बना दिया क्योंकि वो कुछ ग्रहों में पड़ा हुआ, जैसे विवाह का घर है, विवाह के घर में अगर मंगल आ जाता है तो हम उसको मंगली कहना शुरू कर देते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि अब आप कॉशियस हो जाइए, आपको पार्टनर अपने जैसी एनर्जी लेवल का चाहिए। जी गीतांशु जी, कई बार हमने देखा है कि दूसरा विवाह भी कराया जाता है, वृक्ष से विवाह हो रहा है, ये क्या चीजें हैं? ये ज्यादातर धारणाएं बनी हुई है मंगल के असर को कम करने के लिए, मगर इससे ज्यादा सिंपल तरीका है कि हम छोटी सी बात को समझ लें कि हम हमारे पार्टनर से एनर्जी में हाई है, तो हमें अपना मंगल का एक स्वरूप, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है और लोग काम नहीं करते, जैसे कोई मंगलिक है मगर उसका बैठने का काम है ज्यादा, तो उसका मंगल जरूर गुस्से में तब्दील हो जाएगा, एसिडिटी में बदल जाएगा, शरीर के रोगों में बदल जाएगा, चोट, एक्सीडेंट, तकलीफ में बदल जाएगा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ने कहीं तो निकलना है, कहीं तो उसका स्वरूप बाहर आएगा, उसका स्वरूप या गुस्से में बाहर आता है या बीमारी में बाहर आता है। तो आप देखेंगे आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप गुस्सा अंदर दबा के रखते हैं तो अल्सर हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारे दोष एनर्जी से रिलेटेड हैं, और इसको एक ग्रह को नहीं कह सकते कि मंगल ही हर चीज़ के लिए दोषी है। पहले हमारे शास्त्रों में लिखा था कि जो मंगलिक हो उसका विवाह मंगलिक से करे। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जिसकी एनर्जी लेवल आपस में मैच करे वो अपने पार्टनर से पीछे ना रह जाए किसी काम में। जी, तो रेमेडी स्वरूप क्या बताते हैं आप? देखिए, सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि जो भी जो आपको कहे कि आप मंगलिक हैं उसके बारे में ध्यान से दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्यों? कुछ ग्रहों में पड़ा हुआ मंगल मंगलिक तो होता है, मगर जैसे एलिमेंट उसका बदल गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एलिमेंट चार प्रकार के होते हैं जिनको आप तत्व कहते हैं, जिन आपने सुना होगा जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। मंगल पृथ्वी तत्व में और वायु तत्व में और थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वाटर के तत्व में, जिसको आप पानी का तत्व कहते हैं या वाटर का एलिमेंट कहते हैं, इसमें मंगल थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो बहुत से लोग जिनको मंगलिक समझा जाता है वो वाकई में मंगलिक नहीं भी होते। तो इसमें तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि मंगल की एनवायरनमेंट क्या है। अगर मंगल एक दहकता हुआ एनर्जी से भरा हुआ प्लैनेट पानी के तत्व में पड़ा है तो उसका मंगलिक दोष पहले ही कम हो जाता है। जी, मंगल योग से जुड़े जो लोग होते हैं, जातक होते हैं, जातिकाएँ होती हैं, स्वाभाविक तौर पर कैसे होते हैं आप हमें बताएं? स्वाभाविक तौर पर ओवर एनर्जेटिक लोग होते हैं। उनको बात जल्दी करना, खाना जल्दी करना, काम जल्दी कराना, उनमें पेशेंस की लेवल थोड़ी सी कम होती है। अगर हम आयुर्वेद की तरफ चले जाएं तो मंगल के दोष को सबसे बढ़िया तरीके से आप सिर्फ मेडिटेट करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आपके आहार को बदल के, आपके खान पान को बदल के, अगर मंगल ऐसे घरों में पड़ा है जो आपको चटपटा खाना, क्योंकि मंगल की नेचर एनर्जेटिक है, तो आप मंगल, अगर मंगल का दोष कम करना चाहते हैं तो आप वेजिटेरियन हो जाइए। आप मंगल का दोष और कम करना चाहते हैं तो खाना जल्दी जल्दी नहीं खाइए। ये उपाय से ज़्यादा कारगर है। आप अपने दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा चेंज कर लीजिए कि एनर्जी घर के अंदर जाके ना निकले बाहर, क्योंकि लोग काम से थके आ रहे आते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, गुस्सा कहीं निकला नहीं होता तो सबसे पहले घर में निकाल देते हैं आगे। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि घर में अंदर घुसें तो सैर करें, दौड़ लगाएं, योगा करें, कुछ वर्जिश करें, ताकि वो एनर्जी आपकी डिसिपिटेट, मैंने कहीं और किसी कर्म में निकल जाए, घर के अंदर ना आए। आपको उपाय से ज़्यादा ये चीज़ कारगर है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाती है कि मंगल का किसी तरीके का भी दोष अगर आपको लगा है तो व्यायाम करिए, वर्जिश करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, मंगल आपका बैलेंस हो जाएगा। हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हमें यही बताने की प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको अपने ग्रहों को सुधारना है तो सर्वप्रथम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना जरूरी है। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहते हैं, कोई आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे ईमेल आईडीज फ्लैश हो रहे हैं, आप तुरंत उस ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से
से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वैदिक ज्योतिषाचार्य गीतांशु मल्होत्रा जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गीतांशु जी का। गीतांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मंगल ग्रह से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत बातें आप हमें बता रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे जो भी मंगल ग्रह से जुड़े हुए जातक हैं या फिर जातिकाएं हैं, उनके कारोबार को लेकर और शिक्षा जगत में कैसा रहता है उनका माहौल, ये आप हमें बताएं। जी, बेसिक नेचर हमने बात करी थी कि वो अग्रेसिव लोग होते हैं, उनको अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना है। मगर ये अग्रेशन कभी कभार पॉजिटिव भी हो जाता है। जैसे पढ़ाई के स्वरूप में ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको आपको ज़्यादा लंबी बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात भी कम सेंटेंस में सुनना चाहते हैं और करते भी कम हैं। आप इनके सामने लंबी कहानियां पढ़ेंगे, ये आपको वहीं टोक देंगे कि कम बात करो, टू द पॉइंट बात करो। ये एक नेचर रहती है। और पढ़ाई में भी ये इस तरीके के रहते हैं कि अगर इनका मन लग जाए पढ़ाई में तो फिर ये सबसे आगे ही क्लास में होंगे, और अगर मन नहीं लगा इनकी पढ़ाई में तो ये शरारतों में सबसे आगे होंगे। मगर मंगल की नेचर एनर्जी वाइज इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी चीज़ में रहें, इनकी नेचर होती है कि हम औरों को सुपरसीड कर जाएं, आगे निकल जाएं उसमें से, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे खेलकूद में। जी, कारोबार के संदर्भ में भी आप जरूर बताएं किस तरह की स्थितियां रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं, या फिर यदि कोई जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो उस स्वभाव के जातक कैसे डील करें। जी, एनर्जी लेवल अब आपका हाई होता है तो सबसे पहले बिजनेस में ऐसे लोग जनरली एक से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। उनका बिजनेस एक से ज़्यादा होता है और एक जगह बैठ के उनको बिजनेस करने में उनको पसंद नहीं होता। वो ज़्यादा देर मंगलिक लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी एनर्जी को निकालने के लिए। चाहे वो उठ के बाहर जाएं, चाहे वो घूम के आएं, अपनी गद्दी पे नहीं, जिस तरह हमने पुराने ज़माने में देखे थे हमारे बड़े बुजुर्ग चार चार छः छः आठ आठ घंटे गद्दी पे एक बैठ सकते थे, मंगलिक लोग इस नेचर के नहीं होते। उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद इरिटेशन या बोर होने शुरू हो जाते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। बिजनेस के रूप में मैंने बताया, इनको ऐसे काम ज़्यादा सूट करते हैं जिसमें एनर्जी इनकी बहुत लगती है। जैसे मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है, मंगल ज़मीनों का कारक है, मंगल कॉलेज खोलने का, चैनल्स खोलने का, इन चीज़ों का कारक है। ऐसे एक से ज़्यादा जब काम करते हैं लोग तो उनमें मंगल का अंश नज़र आता है। ये दर्शु जी, बहुत खूबसूरत बात है आप हमें बता रहे हैं। एक विशेष बात और जानना चाहूंगी, जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा हो या फिर संतानोत्पत्ति में दिक्कतें आ रही हो, परेशानी हो रही हो, वो जातक क्या करें? देखिए, विवाह के संदर्भ में तो आप एक बात को समझ लीजिए कि मंगल अगर किसी कोई मंगलिक है तो उनको शादी 28-29 साल तक हो तो उनके लिए बेहतर है। क्यों? मंगल अपना नेचुरल इफेक्ट तब तक आते आते मेलेफिक यानी खराब करने से थोड़ा कम कर देता है। तो आप देखेंगे जनरली जो मंगलिक होते हैं उनका विवाह थोड़ा लेट होता है, और होना भी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपने पैसे, बैंक बैलेंस सब पूरा कर लें, उसके बाद वो बाय नेचर भी आगे विवाह करना चाहते हैं। जल्दी विवाह मंगलिक लोगों का इतना कामयाब नहीं होता, इसी करके हमने आजकल के लोगों में सुना है, पंडितों में ज़्यादातर, कि जी इसका विवाह इससे करा दो, इसका विवाह उससे करा दो। ऐसा उपाय एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, सब केसेस में ये पर्टिकुलर उपाय नहीं काम करता। लव मैरिज की स्थिति में व्यक्ति क्या करे? देखिए, लव मैरिज की स्थिति में ये दिक्कत है कि अगर आपने हॉरोस्कोप उस केस में मैच करवाया तो बहुत बढ़िया है, वरना अगर मंगलिक हैं तो लव देखिए मैरिज के बाद ग्रहों का असर ज़्यादा आता है। आपका पार्टनर हो सकता है आपकी रिलेशनशिप 5 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, बट 5 साल बाद आपने विवाह की बात करी और विवाह करा, हो सकता है मंगल दोष उस समय जाग जाए।
मंगलीक का दोष विवाह के बाद जागता है, विवाह से पहले नहीं। तो लव मैरिज की केसेस में भी बहुत केसेस हमारे पास आते हैं जिनमें मैरिजेस की बहुत प्रॉब्लम होती है और वो इस बात से बड़े कन्फ्यूज्ड होते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स थे पहले, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, ये अचानक शादी के बाद क्या हुआ जी। ये प्रॉब्लम रहती है उनके साथ में। दूसरी बात कही आपने संतान उत्पत्ति में, तो बहनों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मंगल गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पांचवां घर हो सकता है, सातवां घर हो सकता है, आठवां घर हो सकता है, इसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, बट उसके बारे में ध्यान पहले रखना ज़रूरी रहता है। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि ऐसी बहनें जिनके जिनमें मंगल का दोष पाया गया है इन घरों में, वो प्राणायाम, व्यायाम या इस तरीके का कुछ पहले से ही अपनी 18, 19, 20 साल की उम्र से शुरू कर दें। उनका नेचर ज़्यादा बैठने का नहीं, उन्हें दौड़ लगाएं, कुछ वर्जिश करें, योगा करें, तो आगे जाके ये दोष उनको कम तंग करें। जी गीतांशु जी, आंशिक मंगल दोष क्या होता है? पाठ मंगल कहने लगते हैं, आंशिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप आंशिक वर्ड बनाना चाहें तो इसका ये मतलब है कि अगर मंगल दोष 100% है तो किसी की केस में 40% है, किसी की केस में 20% है। मगर आम पब्लिक इस बात को समझ लें कि हम सब कम से कम 30-35% मंगलीक हैं, जो मंगलीक नहीं भी हैं वो भी 30-35% मंगलीक हैं, तो सारी दुनिया तकरीबन आंशिक मंगलीक है। क्योंकि अगर हम चंद्रमा से देखें तो मंगल की स्थिति बदल जाएगी, वो कहीं ना कहीं मंगलीक हो जाएगा। हम लगन चार्ट से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मंगलीक हो जाएगा। हम सूर्य कुंडली से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मंगलीक हो जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो मंगलीक नहीं भी हैं वो भी 30-35% मंगलीक हैं, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मंगल वालों में उस एनर्जी का क्राइटेरिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा है जी। तो जो भी मंगल ग्रह के जातक हैं या फिर जातिकाएं, लगातार मैं बता रही हूँ, तो वो किस ईष्ट को, किस परमेश्वर को याद करें जिससे स्थिति स्टेबल रहे? किसी परमेश्वर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यायाम करें, अपनी एनर्जी को घर के बाहर खर्च करें, गुस्सा घर के अंदर मत करें, घर के अंदर लंबी देर तक नहीं सोएं, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें और काम पर निकल जाएं, शाम को वापस आएं, घर का काम करें और अपनी एनर्जी को घर के अंदर या घर के कामों में थकाएं। ये कहना कि कोई इष्ट आपके मंगल को कम कर देगा, देखिए ये मंगल आपके वो प्रारब्ध से मिला है। आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में मांगा है कि मेरे को किसी से डर नहीं लगना चाहिए, मेरे को घबराहट नहीं होनी चाहिए, मेरे को काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर वजन डाल दो, बोझ डाल दो, मैंने डरना नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मंगल का। इसके ऊपर क्यों हम इतनी चर्चा करते हैं कि इसको हम ठंडा कर दें या इसका कोई उपाय करें? उपाय काफी सारे लोग ऐसे भी हैं गीतांशु जी जो कहते हैं बजरंग बली जी का ध्यान करो, उनका चंदन लेप करो तो उससे आपका स्थितियां ठीक रहती हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि कितनी ठीक हुई जी, उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं होता, एनर्जी को आप बैलेंस मत करिए, एनर्जी को चैनलाइज करिए। वो एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, इंसान बहुत मुश्किल से उसको मंगल जैसा ग्रह मिलता है। आप सोचिए ऐसे इंसान जो आज 70 साल की उम्र में भी खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं, सुबह उठ के जाते हैं, काम करते हैं, पूरी दुकान, बिजनेस, घर संभालते हैं, उसके बाद परिवार को संभालते हैं, अपने बच्चों को और उनके बच्चों को भी ध्यान रखते हैं, कितनी एनर्जी, और शाम को क्लब में डांस भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं इन सब लोगों के मंगल स्ट्रांग हैं। मंगल कमज़ोर वाला जातक इस तरीके का होता है कि वो लथार्जिक हो जाता है, उसको ऐसे कहें तो ढीला हो जाता है, वो काम को कल पे टालता है। आप मंगलीक लोगों को काम बोलें और उसके बाद दोबारा काम बोलें, अगर वो इरिटेट नहीं हुए तो वो 10 काम एक मिनट में करके दे सकते हैं। बिल्कुल, वो मल्टीटास्किंग में बड़े माहिर होते हैं। मगर जिन लोगों का मंगल वीक होता है आप देखेंगे उनको बैठ के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमको ज़्यादा तंग मत करो, हिलाओ मत। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हमने मंगल को समझा है, मंगल इतना बड़ा दोष नहीं है। आजकल की सदी में लड़के लड़कियां बराबर मिलके काम कर रहे हैं। अगर लड़कियों के हॉरोस्कोप में मंगल तेज नहीं होगा तो वो नौकरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, मंगल ग्रह के विषय में बहुत खूबसूरत आपने बताया। बेसिकली जो लोग ये सोचते थे कि मंगल ग्रह बहुत पीड़ित करने वाला है, मंगल दोष है, आपने बताया कि मंगल दोष नहीं है, मंगल योग है। आप ग्रहों को कैसे देखते हैं, आप हमें बताएं। हम ग्रहों को वैदिक शास्त्र के हिसाब से देखते हैं। हमारा वैदिक शास्त्र ग्रहों को 2 पार्ट में बांटता है। एक पार्ट फिजिकल फॉर्म, जैसे मंगल की आपने बात करी कि मंगल दिखता है, मंगल एक्सीडेंट कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि वो एक्सीडेंट का कारक है, एनर्जी का कारक है। सडन काम जो भी आपकी लाइफ में होगा वो मंगल करा के देगा। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इससे पीछे परे चले जाती है, वो ग्रहों के साथ साथ उसकी एनर्जी को भी समझती है। हम हर ग्रह की
एनर्जी को समझते हैं। जैसे मंगल की एनर्जी हमने आपसे जिक्र करा कि बहुत पॉजिटिव है, ये उसका एनर्जी पार्ट है। मंगल का मंगलिक होना ये उसका मटेरियल पार्ट है। तो हर ग्रह को वैदिक शास्त्र दो पार्ट में डिवाइड करता है। एनर्जी जो हमको दिखती नहीं है, वो पार्ट मटेरियल का जो हमको दिखता है, जिसके लिए हम मूंगा डालते हैं, जिसके लिए हम और उपाय करते हैं कि हनुमान जी को चंदन चढ़ाओ, उनका लेप लगाओ, हनुमान मंदिर जाओ, ये उसका मटेरियल इफेक्ट है। ये इफेक्ट 10-15-20% 30% काम करता है, बट जब आप एनर्जीज पे काम करने लग जाते हैं तो वो 100% काम करता है, जिसका हमने उपाय बताया कि आप जो लोग मंगलिक हैं वो लोग वर्जिश करनी शुरू कर दें, उनका मंगल का दोष कम हो जाएगा, उनको कोई पूजा कोई उपाय ना भी करें तब भी बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सुंदर संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे आज? संदेश सबसे बढ़िया ये है कि मंगलिक वाले आज के बाद थोड़े से खुश हो जाएं कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिए। पैसा आपके पास बहुत होना है और उम्र आपके ऊपर नहीं नजर आएगी, क्योंकि मंगलिक वालों की एक खासियत और मैं बता दूं, वो सदैव अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। गीतांशु जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन जैसा लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम बताते हैं, यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है कार्यक्रम के अंत में, आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, नमस्कार।